removed to rule number 5. Okay? Because first video में lecture first में आप लोगों को मैंने rule 2 को बता के दिया, must only rule 4 तक बता के दिया. Today मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, rule 3. इसमें क्या रहता है? देखो, यदि वाक्य में to के पहले for me, us, him, you, them, her का अगर use हुआ है, पर हुआ है, ऐसे वाक्य में for के साथ आने वाले adjective के उसको nominative के उसमें देते हैं. मतलब अगर इसके अंदर अगर for us है, उसको nominative के मतलब simple मतलब हो गया. Okay? देखेंगे या सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, या सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट का ये जो सेकंड सब्जेक्ट लिख हो गया. ओके, नाउ आई शो एग्जांपल्स. इट बिकम सो डार्क क्या लिखा आपने? इट बी सी यू एमी इट बिकम सो डार्क फॉर अस. लुक हियर, फॉर अस मीन्स अस का क्या लिखोगे? इसके पहले टी यू मिलेगा, आप क्या लगाते हो पता है आपको? टी यू का दैट. फॉर अस टू बिफोर राइट, और फॉर आपका कट जाता है, फॉर का कोई यूज नहीं. और अस की जगह पे आप क्या लगा रहे हो? बी, दैट बी. बिकम, बिकम आपका क्या है? पास्ट है. और जैसे हैव नॉट गिवन हेल्प यू, जब आप कभी हेल्प यू नहीं दिया तो मैं यूज कर बिकेम, बिकम, बिकम. ओके, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकेम. तो ये आपका है बी सी एम रहेगा. ओके, दैट बी, यानी कि आप दैट बी, दैट बी, तो पास में एक एकदम से वास अगर समझ माना जी कर कुड नॉट रीड इजली एंड राइट. ओके, तो फॉर का एक्टिव इसके अंदर यूज नहीं होगी. अगर इसमें इट बिकम, सॉरी इट बिकेम टू डार्क फॉर अस टू रीड इजली, मतलब वहां जरूरत से ज्यादा अंधेरा है. टी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा. और वो चीज अगर जरूरत से ज्यादा अंधेरा है तो आप कह सकते हो कि आपको पढ़ने के बाद हम सब लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती रहेगी, इसलिए या बहुत परेशान होती रहेगी. देन यू राइट इट बिकम सो डार्क. हाँ यार, इट बिकम सो डार्क, अंधेरा है. इट बिकम सो डार्क, डरा है कि तो वी कुड नॉट रीड इजली, तो हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते, अच्छे आराम तरीके से, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पढ़ सकते, तो इसका मतलब है. ओके, या अगर इधर होता था इंडिया बिकम टू डार्क फॉर अस टू रीड इजली, बिकम होता तो आप क्या लगेगा? दैट वी कैन नॉट रीड इजली. ओके, आप लोगों मैं नोट्स के लिए बता के दू, आप लोग कैसे दिमाग रखोगे? फॉर अस का क्या लिखोगे आप? मी, सॉरी फॉर अस का वी, फॉर मी, मी का आई, मी का आई, फॉर का मतलब कैंसिल हो जाता है. फॉर हर, हर का क्या लिखोगे आप? सी. फॉर देम का क्या लिखोगे आप? दे. देम का क्या लिखोगे? दे. हर का सी, मी का आई, अस का वी, और फॉर और देम का क्या लिखोगे आप? दे. देम का दे लिखोगे. ओके, और फॉर यू का, फॉर यू का यू लिखोगे. टी, अगर टी यू के पहले जब आप लोग को ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ओके, सिर्फ नोट करके रखो. देन टू बी कंटिन्यू टीचिंग, सॉरी टू बी एम कंटिन्यू टीचिंग, फॉर एग्जांपल पर्सन जस्ट लाइक दिस वन सी ओनली, व्हेन यू हैव टू गो, सॉरी when you have to doubt, just you can to ask to me or comment box. Okay, मैं आप लोगों को to be continue पढ़ा के दे रहा हूँ, पहले आप लोग देख लो, अगर इसमें कुछ जाओ तो पूछ सकते हो. Examples, it's one thirsty was too great for him to date. Look here, here also given for him दिया आपको, क्या दिया है? For him. तो आप क्या लिखोगे इधर? Is one thirsty. Thirsty was yoga so great. Great. And TO. TO का means आप पहले लिखो. For him का उसके पहले TO का use कर. That लगा दीजिए करो. हाँ. और for him का है तो. Well look here. For him. TO. तो for cancel हो जाता. Okay. तो जो आपका second part है उसका subject भी होगा.
दैट ही, दैट के बाद ही, तो वाज दिया, तो वाज मींस वाज वर्ब मींस कुड नॉट, दैट ही कैन नॉट, सॉरी दैट ही कुड नॉट या कुडंट, कुडंट वेट, दैट ही कुडंट वेट, ओके अंडरस्टूड. नेक्स्ट, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा है मुझसे तो मैं कैसे चढ़ सकता हूं. जब ब्रिज कोई पेड़ जब मुझसे जरूरत ज्यादा ऊंचा रहेगा तो आप कैसे चढ़ सकते हो, मैं चढ़ नहीं सकता ना. तो द ट्री क्या लिखो गया, द ट्री इज, टी में क्या आप छो लगा रहे, क्या लगा रहे हो, द ट्री इज टू डब्ल्यू जगह सो, टी ओ सॉरी टी डब्ल्यू जगह आप क्या लगा रहे सो हाई लिखोगे. और फॉर मी क्या दिया जाए आपको, फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी दिया तो आपका क्या होगा, दैट लगा, दैट फॉर कैंसिल, ओके व्हेन यू हैव टू मेक यू रिमूव टू या रिमूव इट. तो मी का क्या लिखो या आई, दैट आई इज गिवन, दैट आई कैन नॉट क्लाइम, दैट आई कांट क्लाइम, दैट आई कांट शॉर्ट फॉर्म क्लाइम, ओके. व्हाट यू रोट, आई कांट क्लाइम, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई. रिमेंबर अगर फॉर मी हो गया, फॉर अस हो गया, फॉर यू हो गया, फॉर देव सॉरी फॉर देम हो गया या फॉर यू हो गया तो अब क्या करोगे, तो फॉर को कैंसिल करोगे, जो सब्जेक्ट सेकंड पार्ट करेगा उसका सब्जेक्ट, फॉर अस तो दैट वी हो जाएगा, अगर हिम है तो यू हो जाएगा, रिवत यू रहेगा, देव तो देव हो जाएगा, एंड और सब्जेक्ट आंसर कांट या कुडन का यूज होता है, यू नो रिमूव टू मी तो इज है, तो आप दैट आई कांट या कैन नॉट, लाइक आई कांट क्लाइम, सो हार्ड मतलब जो ब्रिज है सो मतलब वो इधर उधर जाता है, टी डब्ल्यू मतलब भी इधर उधर ज्यादा होता है, लेकिन ट्री इज सो हार्ड जो ब्रिज है इधर उधर ज्यादा क्या ऊंचा है कि आई कांट क्लाइम तो मैं चढ़ नहीं सकता हूं. जब ब्रिज इधर उधर ज्यादा ट्री ऊंचा है तो मैं चढ़ नहीं सकता हूं, ओके इसके एग्जाम्पल, ओके. और आपको किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके. मैं रूल सिक्स पढ़ाने जा रहा हूं. यदि वाक्य में टी डब्ल्यू टू और टू के स्थान पर टी डब्ल्यू टू अगर नॉट दिया क्वेश्चन आपको, अगर इसमें अगर नॉट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको क्या करने का, तो दैट के बाद आने वाला दैट टू आफ्टर, अगर दैट के बाद अगर आप बना रहे हैं तो इसमें जब कोई भी आपका जो वाक्य बनता है अगर नॉट दिया है तो नॉट में नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ही इज हो जाएगा, सो लगा देगा बराबर, सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, बिकॉज इधर आपको क्या दिया, नोट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर नोट टू दिया है, नोट टू दिया है, तो अगर ऑलरेडी आपको पहले से नोट दिया है तो आप उस कांट या कुडंट का यूज नहीं करोगे, ऑलरेडी आपको नोट दिया है सेंटेंस के अंदर, नहीं बोला है ना, इसके लिए ही इज सो इंटेलिजेंट, क्या लिखो, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट यू आर दैट, शब्द आपका ही क्या, दैट ही विल लगाओ, यानी कि विल या कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब वो जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वह क्या, वह क्वेश्चन करूं वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेगा, ओके. मतलब देखो मैं आपने क्या बता दिया, यदि इसे हिंदी मीडियम अगर कोई बच्चा रहेगा उनको भी अगर खुशी अगर परेशानी हो रही तो उनको परेशानी नहीं होगी, इसके लिए पूरा हिंदी में लिख के दिया हो. यदि वाक्य में टी डब्ल्यू टू और टी यू के स्थान पर, तो देखो आप टी डब्ल्यू टू और टी यू के स्थान पर, टी डब्ल्यू टू नॉट टू का प्रयोग हो तो नॉट टू अगर आपको दिया है नॉट टू या नॉट टू, तो दैट के बाद आने वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस नॉट देयर, मतलब पॉजिटिव, ओके, बिकॉज यू नो थिंग्स अबाउट मोर गेट एन आइडिया. अगर आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है नॉट अवेलेबल पहले से, तो आप वापस थोड़ी नोट लगाओगे, ओके. तो ही इज सो इंटेलिजेंट, नो इसको साइड में रखो, दैट दैट के बाद ही है सब्जेक्ट आपका, देन दैट ही विल या कैन, विल लगाओ या कैन लगाओ,
दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके विल कंटिन्यू, ये वाला आप लोग बनाओ. ओके हो गया. लुक हियर, ही इज ओके टेबल टू मतलब सो काइंड. नोट दिया आपको, नोट दिया यू का दैट लिखो. यू क्या लिखो, दैट ही है ठीक. ही कैन हेल्प एवरी डे. Then he can help every day. Yeah, then that he be every day. Can he every achieve this? Can work proper sentence. That's right. Yeah, ab kya achieve this? Will be kar sakte, can be kar sakte. Okay. Now for now. For now is so clever. For now is so clever. Not to understand these tricks. वरना सो क्लियर नॉट टू दिए नॉट कट कर दो नॉट कट हो जाता है. ओके तो ट्यूबल आप दैट लिखो, क्या लिखोगे, दैट अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स दैट प्रोनाउंस वॉइस दैट्स वाई कैन आइडिया दैट ही कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स दैट ही कैन अंडरस्टैंड this tricks that can understand this tricks. Okay, pranav is too clever to understand, not to understand this tricks. Pranav bahadur hai, zarurat se zyada bahadur hai, lekin wo is trick ko samajh nahi saka hai, is trick ko samajh nahi saka. To aap kya, pranav is too clever, pranav bahadur to hai, lekin that he can understand this tricks. अगर प्रणव बहादुर है तो वह उस ट्रिक को समझ सकता है. ओके हिंदी में बता के दे रहा हूं इसके, इज टू टू काइंड नॉट टू हेल्प एवरीडे. इज टू काइंड वह जरूरत से ज्यादा दयालु है तो हेल्प एवरीडे नहीं कर सकता. मीन्स अगर कोई आदमी जरूरत से ज्यादा दयालु है, ही इज सो काइंड, ही इज सो काइंड, जरूरत से ज्यादा वो दयालु है, दैट्स व्हाई दैट ही कैन हेल्प एवरीडे. अगर वह जरूरत से ज्यादा अगर दयालु है वह आपका हेल्प प्रतिदिन कर सकता है. ओके इसकी वजह से आप लोग किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो. आज के आपका रिमोट होगा लेक्चर फिनिश हो जाता है. और आपको किसी को कुछ भी परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. ओके Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because.